हे स्टूडेंट, वेलकम अंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों इस वाले जो वीडियो हमारा, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, अगर आपने 3.2 ले वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उसका यूज़ अब यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस माइनस है ना, ये सब बेसिक बेसिक की जानकारी मैंने आपको दिया था ना, वही चीज़ बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। और यही जो है इस चैप्टर का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें बोला क्या जा रहा कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, जो हमको यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है ना, इनको पॉइंट्स बोला जा रहा है, लाई, यानी कि जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन का ही बात किया गया है, तो वेरीफाई योर आंसर बाई लोकेटिंग देम ऑन योर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि पहले तो आप क्या करो कि देख कर ही पता लगाओ कि ये जो नंबर्स हमको दिए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये कौन से हमारे, जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन जब पढ़ते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में ये हमारे पाए जाएंगे, ठीक है, इनका लोकेशन मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा या 4 में होगा, ये यहाँ पर दिया गया है। और ये तो आप अपने माइंड से भी कर सकते हो, ये मैंने पहले आपको पहले ही बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या करो, पुट करो, यानी कि इसको आप फाइंड करो और अपने आंसर को वेरीफाई करो। जैसे कि देखो, जो पहला वाला है इसमें अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, यानी एक्स वाला माइनस है और वाई वाला प्लस है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही समझाया था कि देखो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस, ये जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें होता है। देखो एक्स वाले जो है माइनस हैं और वाई वाले प्लस हैं, तो इस इलाके में जो भी नंबर होगा उसमें पहला देखना माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये जो माइनस टू और फोर है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अभी अब डायरेक्ट आप मानो समझ, अगर पिछले वाले वीडियो देखो तो डायरेक्ट आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो ये आपको मैं कार्टेशियन प्लेन बना करके समझाता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हमको दिए हैं वो कहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखो, कुछ इस तरीके का हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट्स का जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। एक हमारी एक्स एक्सिस होती है, ऐसे जो हमारी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होगी इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इधर जो प्लस वाला साइड होता है हमारे एक्स एक्सिस में, देखो बीच में जीरो होता है, राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है, जैसे कि आप उसमें नंबर लाइन में पहले ही पढ़ चुके हो। तो प्लस वाला हमारा एक्स कहलाएगा और जो माइनस वाला है वो एक्स डैश कहलाता है। सेम उसी तरीके से ऊपर जाओगे तो आप वो प्लस वाला वाई रहेगा, और नीचे जाओगे तो माइनस वाले जो रहेंगे वो वाई डैश कहलाएंगे। अब आता है हमारा कि माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन, तो ये हमेशा याद रखना कि इधर से हम लोग ऐसे काउंट करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो इलाका है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। पहला वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो दोनों प्लस होते हैं। दोनों प्लस का मतलब क्या है, ये जो पहला नंबर रहेगा ना ये हमारा प्लस में रहेगा, और जो पहला रहता है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है और दूसरे वाले को वाई एक्सिस से लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स वाला भी हमारा प्लस में दिखेगा इस इलाके का, और ये जो वाई वाला है वो भी प्लस में है। इसीलिए इस इलाके में, इस एरिया में जो भी नंबर आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, वो क्या होंगे, दोनों प्लस प्लस वाले होंगे। दूसरा वाला में माइनस और प्लस होता है, क्योंकि इसमें एक्स वाला जो होता है वो माइनस रहता है और वाई वाला इधर देखो प्लस रहता है, इसलिए इसको माइनस प्लस कहते हैं। तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो दोनों माइनस होता है, क्योंकि एक्स वाला भी माइनस है और वाई वाला भी माइनस है, तो ये एरिया माइनस माइनस के लिए है। और जो फोर्थ वाला हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा एक्स वाला प्लस है इसलिए पहले प्लस लिखते हैं, और वाई वाला माइनस है इसलिए बाद में हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नंबर्स में कि माइनस टू और फोर कहाँ पर आएगा। तो देखो, माइनस टू इधर है हमारे पास, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि माइनस टू को पहले लिखा गया है, यानी कि वो एक्स वाला माइनस टू है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर माइनस टू पहले है तो वो हमारा एक्स वाला है, क्योंकि देखो माइनस टू आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि भैया ये वाला माइनस टू लूँ या ये वाला माइनस टू लूँ, क्योंकि माइनस टू को पहले लिखा गया है उसके बाद फोर को लिखा गया है, तो जो पहला वाला नंबर रहता है ना पॉइंट्स में वो हमेशा एक्स एक्सिस का रहता है, और जो दूसरा वाला नंबर रहता है वो वाई एक्सिस का रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है फोर, तो फोर ये देखो ये वाला फोर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग सीधा ऐसे चलेंगे ना, देखो इस तरीके से इसको ऐसे बनाया भी जाता है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा 3.2 वाले में, यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमारा जो माइनस टू और फोर है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो माइनस टू और फोर, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आ गया। समझ में आया मेरी बात। सेम उसी तरीके से अगला चलते हैं, उसमें दिया हुआ है थ्री और माइनस वन, तो थ्री उसमें प्लस वाला दिया हुआ है। आप एक बार बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, यही क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन शुरू को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते बने। हाँ, अब स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो ताकि आपको समझ में आए जहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तब थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, नहीं तो फिर आपको जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो दिखेगा नहीं अच्छे से, ठीक। अब कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है, तो दूसरा जो हमारा थ्री और माइनस वन है, तो थ्री चूंकि वो एक्स वाला होगा, पहला हमारे पास कितना दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है पहले, तो हमारा एक्स वाला जो होगा थ्री होगा। तो हम लोग देखते हैं ये रहा हमारा थ्री, उसके बाद माइनस वन है, तो वाई वाला माइनस वन किधर आएगा, तो नीचे साइड जो है हमारा वाई वाला माइनस वन आएगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर,
ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा थ्री और माइनस वन का है। तो थ्री और माइनस वन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? हमारा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हमको कितना दिया हुआ है? माइनस वन और जीरो दिया हुआ है। तो माइनस वन देखो यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनस वन चूंकि पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है माइनस वन है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस वाला है। तो ये रहा हमारा माइनस वन एक्स वाला। ठीक है, तो ये लेंगे हम लोग और उसके बाद जीरो ले लेंगे। तो वाई की तरफ वो बढ़ ही नहीं रहा है। देखो ये हमारा एक्स में तो वो आया लेकिन वाई की तरफ वो गया ही नहीं। तो यहीं पर ये क्या हो जा रहा है? हमारा स्टक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा वो केवल हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसमें आपको क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा, यानी हमारा ना ही फर्स्ट में, ना ही सेकेंड में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में है। ये हमारा ये देखो सेकेंड और थर्ड के बीच में यहाँ पर एक्स एक्सिस में अटक जा रहा है क्योंकि माइनस वन और जीरो दिया हुआ है। तो यहीं पर आप क्या कर दोगे? लिख दोगे ये माइनस वन और जीरो हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगला चलते हैं। वन और टू दिया हुआ है, दोनों प्लस प्लस में है। तो आपको पता ही है प्लस प्लस होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि एक्स वाला भी प्लस में होता है, वाई वाला भी प्लस में होता है। तो वन और टू का मतलब है कि एक्स वाला वन रहेगा और वाई वाला टू रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आएगा ना, ये वाला इस लोकेशन पे, यही हमारा वन और टू कहलाएगा। तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हो गया। और जो लास्ट हमने दिया हुआ है माइनस थ्री और माइनस फाइव, तो दोनों निगेटिव हैं। तो निगेटिव दोनों कहाँ पर आता है? हमारा थर्ड वाला क्वाड्रेंट में आता है। तो कितना है? माइनस थ्री है। तो पहले एक्स वाले माइनस थ्री ले लो आप। ठीक है, और वाई की तरफ कितना बोल रहा है? माइनस फाइव बोला गया है, यानी माइनस थ्री और माइनस फाइव। तो एक्स वाला माइनस थ्री होगा और वाई वाला माइनस फाइव होगा। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे आकर के ना, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यही जो पॉइंट होगा वो माइनस थ्री और माइनस फाइव का होगा। तो ये हो गया हमारा इनका आंसर। बाकी आपको इसको अगर स्टेटमेंट बना करके लिखना पड़े, पहले तो ये बना दोगे तो उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं लिख भी दो, तो आप क्या करना, इस तरीके से लिख लेना कि माइनस टू फोर और फिर एंड करके माइनस वन जीरो आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस तरीके से लिख देना। लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट भी कर सकते हो या फिर इन सेकेंड क्वाड्रेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी स्टेटमेंट अपने से बना करके लिख सकते हो, वन एंड टू आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थ्री माइनस फाइव आर लाई इन है ना हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस वन एंड जीरो, अच्छा नहीं ये हमारा सेकेंड वाले में नहीं था, या फिर सेकेंड में ही कहलाएगा एक तरह से हमारा, देख लेना टीचर। जैसे मेरे हिसाब से तो ये सेकेंड में नहीं कहलाएगा क्योंकि ये बीचों बीच में आ रहा है ना, इधर ना ये एक्स वाई की तरफ ये किधर भी बढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये केवल हमारा एक्स एक्सिस में कहलाएगा। तो माइनस वन एंड जीरो आर इन एक्स एक्सिस, लाई इन एक्स एक्सिस, इस तरीके से लिख देना। फिर थ्री एंड माइनस वन आर लाई इन हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट अगर बोला जाता है तो लिख लो, अदरवाइज ये इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप 3.1 का जो हमारा वीडियो है, सॉरी 3.2 का, उसको आप जरूर देख लेना। वहाँ पर पहले से डायग्राम बना करके दिया होता, उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाया है, उससे आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।